हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 12 कलर्स। सो आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। ये वूलन या वूलन वैली भी बोल सकते हैं आप इसको। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है। आज मैं अगर आपको बुनाई बिल्कुल नहीं आती तब भी मैं आपको ये स्टार्टिंग से बताऊंगी कि कैसे बनाना है, तो आप इजी वे से कोशिश करूंगी कि इजी वे से आपको बनाना सिखाऊं। और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगते हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है ये वूल। ये मोटी वूल है, ये मोटी वूल है ये। एंड मैंने ली है 10 नंबर की सिलाई। सबसे पहले हम आपको फंदे डालना सिखाते हैं। तो फंदे डालने के लिए सबसे पहले ये जो वैली है ये 4-5 नंबर के जिनका पैर है उनको आ सकते हैं ये। तो हमें डालने हैं 45 फंदे। तो सबसे पहले हम ये वूल को कर लेंगे डबल इस तरह से। ये हमने डबल कर ली। अब यहाँ पे लगानी है हमको एक नोट। ये लग गया हमारी नोट। सो हमें करना है इस ये सिंगल वाले धागे को अपनी फिंगर पे ऐसे लपेटना है। एंड फिर हमें ये फंदे कैसे डालने हैं, ये डबल धागा जो है ये पहले इसमें एक नोट बांध के इसके ये डबल धागे और सिंगल धागे के बीच में एक नोट बांधनी है। नोट के अंदर ये सिलाई डालनी है। फिर उसके बाद ये जो धागा है ये हमें ऐसे करना है। ये डबल धागा जो है ये ऐसे लेना है और ये सिंगल धागा जो है ये अपने फिंगर पे ऐसे लपेट लेना है। ये हमें ये वाला धागा हमें डबल वाला सिलाई के पीछे से लेना है ऐसे करके, और ये वाला ये आगे से लेना है। अब ये वाला जो डबल वाला धागा है इसको हमें वापस उतार देना है और ये डबल वाले को ही खींचना है। ये बन गया एक फंदा। सो दोबारा देखते हैं, इसको ऐसे करना है, पहले इसको पीछे से लेना है, देन ये सिंगल वाली को आगे से लेना है और इसको वापस डाल देना है और इसको डबल को ही खींचना है। ये बन गया दूसरा। अब दोबारा देखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इस धागे को लेना है ऐसे, इसको लेना है ऐसे, देन फिर इसको वापस लेना है एंड ये हमें इसको डबल को ही खींचना है। ये लेना है ऐसे ऐसे ऐसे। इसी तरह से हमें 45 फंदे लेने हैं। ये हमने 45 फंदे बिल्कुल तैयार कर लिए हैं बना के। ये सारे फंदे जो हैं ये 45 हैं। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जो है ये सीधा सीधा बुनना है। ये हमें सीधा सीधा बुनना है।
सीधी हमें ये सिलाई निकालनी है। ये 12 सीधी जो लाइन होती है 12 बार वो हमें बनानी है। 24 24 बार ये हमें इसमें सिलाई निकालनी है। ऐसे ही बुनते जाना है और 24 बार हमें ये सिलाइयाँ निकालनी है पूरा ऐसे ही। ये हमें इसी तरह से हमें 24 सिलाइयाँ बुननी हैं। ये देखिए ये मैंने ये 12 गांठे ये बना ली हैं और ये बनाया है 24 बार 24 सिलाइयाँ निकाली हैं इसमें 24। ये दोनों तरफ से एक जैसा ही बनाना है। ये देखिए ये जो गांठे हैं इन्हें गिन रहे हैं हमें, ये जो लाइनें दिखाई दे रही है ना उन्हें गिन रहे हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 गांठे हैं ये। उसके बाद हमें क्या करना है, ये फंदे जो है हमें घटाने हैं। 45 फंदे में से हमें जो है 22 फंदे जो है घटाने हैं हमको। अब ये फंदे घटाए जा रहे हैं। दो का एक करके ये फंदे जो है घटाने हैं। आप ध्यान से देखें कि कैसे घटाने हैं ये फंदे। दो के बीच में से सिलाई लेनी है, बीच में से सिलाई लेके और पहला वाला वापस ले लेना है ऐसे। एक फंदा लिया निकाला और बीच में से लिया और इसको निकाला और खींच लिया। अब ध्यान से देखें कि कैसे फंदे घटाने हैं। ये देखिए उल्टा उल्टा भूनने के बाद ये हमें कितने गांठे बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 गांठे भूनिया हमें, यानी कि ये 24 सिलाइयाँ निकालनी है इसमें। अब 24 सिलाइयाँ निकालने के बाद हमने ये बाकी के फंदे जो है हमने ये 24 फंदे रहने दिए हैं और बाकी के सारे घटा दिए हैं। और अब हमें क्या करना है, ये सीधा और उल्टा बुनना है। 14 सिलाई निकालनी है सीधा और उल्टा बुनकर। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। इसमें ये सीधा बुनना है, एक बार सीधा एक बार उल्टा एक बार सीधा एक बार उल्टा ऐसे बुनना है हमको। 7 बार सीधा बुनना है 7 बार ही उल्टा बुनना है। इतना बुनने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं आराम आराम से बता रही हूँ मैं आपको।
निकाल लिया था उल्टा एंड अब ये बुनना है हमें सीधा, ये ऐसे। ये देखिए, ये देखिए, ये 14 सिलाई जो है ये हमने निकाल लिया है, सीधा उल्टा 7 बार सीधा 7 बार ये उल्टी सिलाई निकाली है। ये देखने में कुछ ऐसा है, लग ऐसा बना है अभी। अब जैसे हमने ये सेम ये बनाया है ऐसा ही यहाँ बनाएंगे। ये जितने हमने फंदे घटाए थे अब उतने ही फंदे हमें यहाँ पे ये बढ़ाने हैं। एक सिलाई और निकाल के फिर हमें फंदे बढ़ा दे। जैसा हमने इधर बुना था ऐसे ही सेम हमने यहाँ पर भी बुन लिया है। ये अब हमें यहाँ ये सिलाइयाँ लगानी है इधर इधर मोटी सुई से, ये जो फंदे हैं इन्हीं के बीच में, ये जो फंदे दिख रहे हैं इनके बीच में ही सुई निकालनी है और ये पूरा सीलना है। आप देख लो कि कैसे सीलना है। ये मैंने सील लिया है, ये पूरा तैयार हो गया है। ये सीधा करके कुछ ऐसा दिख रहा है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।